तो हेलो वेलकम बैक टू वीडियो। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज वीडियो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आप लोग कैसे अपने मोबाइल फ़ोन में खेल सकते हैं कार फोर सेल सिमुलेटर 2023, जो कि भाई बिल्कुल नया नया गेम निकला है और इन्हें आते आते यूट्यूब पर भाई आग लगा दी। हर बंदा भाई यही गेम खेलना चाहता है और हर जगह बस इसी गेम के गेम प्ले की चर्चा हो रही है। तो आज मैं आप लोग को बताऊँगा आप लोग कैसे कार फोर सेल सिमुलेटर अपने मोबाइल में खेल सकते हैं। आप लोग चैनल पर नए हो तो भी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक नहीं करा वीडियो को लाइक कर दो। तो चलते हैं अपनी वीडियो की। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने गेम के अंदर और हम लोग खेलने वाले कार डीलर सिमुलेटर। आप लोग सोचेंगे तो भाई कोई दूसरा गेम है, ये कोई दूसरा गेम नहीं है, कार सेल सिमुलेटर का छोटा भाई है। जैसे वो गेम है वैसे ये गेम है, जैसे आप लोग उसमें मजे कर सकते हो वैसे आप इसमें मजे कर सकते हो। कार सेल सिमुलेटर आप लोग मोबाइल में नहीं खेल सकते, ठीक है, लेकिन जे सेम टू सेम वैसा ही है। जब आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखो, बाद में आप लोग यही बोलोगे हाँ भाई मुझे गेम खेलना है एंड आप भी ये गेम खेलो, ठीक है। तो गाइस अभी मैं इस गेम को स्टार्ट करता हूँ। तो अपना गेम यहाँ पे भाई स्टार्ट होने वाला है एंड ये स्टार्ट हो चुका है जो स्टिक टू मूव प्लेयर। तो गाइस यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुका है जो स्टिक टू मूव प्लेयर। यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं जो कि आप समझ सकते हो गेम में क्या करना है, बस आपको यहाँ पे सब कुछ समझ लेना है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट नेट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे सब कुछ हो जाएगा। एंड गाइस हम लोग अपने गेम में आ चुके जो कि देख रहे हैं। अभी भी आपको ये गेम थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो रुको जरा, ये बहुत ही ज़्यादा मस्त गेम है, ठीक है। तो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और यही है भाई अपना शोरूम जिसको अभी हम लोग बाय करेंगे एंड इसका नाम हम लोग बहुत ही तगड़ा कोई नाम रखेंगे। मैं नाम बहुत ही पहले से सोच के रखता था, ठीक है। तो फटाफट इस शोरूम को हम लोग बाय कर लेते हैं जो कि यहाँ पर लिखे थे पास में लिखा हुआ है परचेज शोरूम, ठीक है। तो परचेज शोरूम अपना कुछ $50,000 का जो परचेज शोरूम है, $50,000 का अपना शोरूम है, तो उसको मैंने बाय कर लिया। सेट शोरूम नेम, तो यहाँ पर शोरूम का नाम डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या नाम रखूँ, तो मैं यहाँ पर सोच के आया था कि मैं इसका नाम रखूँगा कार एक्स शोरूम, ठीक है। तो कार एक्स शोरूम में यहाँ पर नाम डाल देता हूँ और ये नाम मुझे ठीक लगता है, ठीक है। तो कार एक्स शोरूम मैंने नाम डाल दिया और ये बहुत ही मस्त नाम है। और ये रहा अपना शोरूम जो कि आप लोग देख रहे हो। यहाँ पर हम लोग अपनी कार को बेच सकते हैं एंड हम लोग उसको मॉडिफाई करके भी बेच सकते हैं और महंगी बेच सकते हैं और बहुत ही मतलब अपने जो ऊपर वाले ये पास वाले जो पास में जगह दी गई है इनको अनलॉक कर सकते हैं, बेसमेंट एजमेंट सब कुछ अनलॉक कर सकते हैं। तो कार्स बेसिस, ठीक है, कार्स बेसिस यहाँ पर दिख रहे हैं ना, ये ना बहुत ही तगड़े तगड़े हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, आप लोग इनको बाय कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा अच्छा मतलब बाय किया, ज़्यादा अच्छा नहीं, ठीक ठाक मैंने बाय कर लिया। अब इसको कोई ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ पर मतलब लोग आए तो उन्हें कार दिखे, मेरे हिसाब से। वैसे आप कहीं भी लगा सकते हो, कार तो बिकनी है, तो मैं इसको सोच रहा हूँ बीचों बीच लगाएंगे, ठीक है। आपको जहाँ मन चाहे वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको इधर लगा देते हैं, तो ये इधर तरफ, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब इसको यहाँ पे लगाने के बाद भाई हम लोग यहाँ पे कार्स नीचे ऑप्शन दे रहे हैं, कार्स पे क्लिक करेंगे, पाँच का शोरूम कार्स, हम लोग यहाँ पे कार्स बाय कर सकते हैं एंड उसको बेच सकते हैं कुछ दाम बढ़ा के, ठीक है। तो यहाँ देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कार दिख रही है, ज़्यादा अच्छी नहीं। लैम्बोर्गिनी कहाँ है मेरी भाई, यहाँ पर वैसे कोई लैम्बोर्गिनी दिख नहीं रही, बस यहाँ मुझे एक कार दिख गई है। एंड यहाँ पर इसका रेंज 4,050 से 5,400, ठीक है। नीचे देख सकते हैं रेंज लिखा हुआ है, इस रेंज के बीचों बीच आपको रेट रखना है। ये नहीं कि यहाँ पे 4,500 रेंज डॉलर की है और आप लिख रहे हो भाई 10,000 15,000, तो रेंज यहाँ पे दी गई है, ज़्यादा नहीं लेते हो। तो यहाँ पे रेंज थी मेरी 5,400 तक की, तो मैंने 5,400 रेंज मैंने कर दी है एंड ऑटो सेल पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। ऑटो सेल मैंने क्लिक कर दिया, कोई ग्राहक आएगा तो अपने आप वो लेकर चला जाएगा, पैसे मुझे अपने आप मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने ऑटो सेल पे कर दिया है। अगर ऑटो सेल को आप हटा दोगे तो यहाँ पे ग्राहक आएगा आपसे बातचीत करेगा, तो वो भी ले सकते हो। मेरे हिसाब से वो मस्त है, जब ग्राहक आएगा आपसे बातचीत करेगा वो मेरे हिसाब से बेस्ट है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर ऑटो सेल कर दिया है कि लोग आएंगे और ख़रीद के चले जाएंगे, भाई मुझसे कुछ लफड़ा होगा ही नहीं। अगर उनको अच्छा लगेगा तो लेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं लेंगे, ठीक है। वैसे मैंने रेंज रख दिया है बढ़िया वाला कि कोई बंदा मना नहीं करे, कार भी अच्छी खासी अच्छी है अपनी, ख़राब कार नहीं है और बाकी सब कुछ यहाँ पर मतलब अपनी कार एकदम मस्त है एकदम। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक और शो स्पॉवन बेस, एक और अपना बेस यहाँ पे लगाना चाहिए हम लोग को, वैसे एक मेरे हिसाब से बहुत है। एंड यहाँ पे नीचे हम लोग का गैराज दिया गया है जहाँ पर हम अपनी गाड़ी को मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी गाड़ी को लेंगे उसको मॉडिफाई करेंगे और उसको दुगने दाम में बेचेंगे, वो हम लोग का बिजनेस बहुत मस्त चलेगा। एंड यहाँ पर अंदर जो हम लोग का रूम दिया गया है, ऊपर का हम लोग को यहाँ पे शोरूम दिया गया है, ऊपर की भी जगह हम लोग ऊपर भी कारें रख सकते हैं और नीचे भी कार खड़ी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग को कुछ पैसे खर्चा करने पड़ेंगे अंदर के लिए। $50,000 खर्चा करेंगे तो हम लोग को अंदर की जगह मिलेगी और $2,00,000 यहाँ पर खर्च करने पर हम लोग को ऊपर की जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग का शोरूम यहाँ पर क्लोज हो गया था तो हम लोग ने यहाँ पर ओपन कर दिया है और मैंने यहाँ पर कार लगा दी है, ठीक है। मतलब ये शुरुआत से ही ये क्लोज था, ठीक है। अब इसको ओपन करने के बाद अब ग्राहक आएंगे तो देखते हैं कौन ग्राहक आएगा भाई अपने पास और कौन गाड़ी खरीद के जाएगा। वैसे यहाँ पे दूर दूर तक की सन्नाटा दिख रहा है, कोई इंसान नहीं दिख रहा है,
पता नहीं कोई आएगा अभी हमारी कार खरीदने की नहीं आएगा। वैसे अभी नया नया खुला है तो भाई लोगों को पता भी नहीं है कि यहाँ पर कोई शोरूम खुला है। अब देखते बंदे आएंगे कि नहीं आएंगे। ओ गाइस यहाँ पर कोई बंदा आ चुका है मेरे हिसाब से। अभी बंदा देखते हैं ख़रीदता है या फिर नहीं खरीदता है। मैंने यहाँ पर ऑटो सेल रख दिया है तो ओ करंट सेल। तो गाइस यहाँ पर जो आइटम तब सोल्ड हो चुका है मतलब बंदा खरीद के चला गया है। मैंने यहाँ पर ऑटो सेल पर रखा था तो यहाँ पे बंदा लेके चला गया है, मुझे यहाँ पे पैसे मिल चुके हैं मतलब मेरा यहाँ पे फ़ायदा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कोई दूसरी कार लगाने के लिए फिर से कार से ऑप्शन में जाऊँगा एंड वहाँ पे जाके दूसरी कार लगा दूँगा। ठीक है तो ये एकदम मस्त चल रहा है, मतलब जो हमने सोचा था वही हो रहा है। अपनी कारें हैं ना भाई बिक रही हैं, लोग खरीद रहे हैं। और जो अपना शोरूम है भाई अभी ज़्यादा फेमस नहीं है, ज़्यादा लोग को पता नहीं कि यहाँ पर कोई शोरूम है, बट धीरे धीरे लोग आने लगेंगे। तो अभी कोई दूसरी कार हम लोग यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब दूसरी कार कौन सी लगाई जाए, तो यहाँ पे मैं दूसरी कोई वही कार मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। और दूसरा रेंज भाई रख नहीं सकते ज़्यादा, 6000 रेंज भाई देख सकते हैं आप लोग नहीं रख सकते। जितना यहाँ पे रेंज लिखा गया है ना उतना ही रेंज आप लोग रख सकते हैं। 4500 है तो मैं यहाँ पर 5400 कर दिया मैंने, $5400। आप देखते हैं कोई ग्राहक यहाँ पर कितनी देर में आएगा। अगर जल्दी आता है तो मतलब भाई ये बात है कि हमारा शोरूम एकदम मस्त जगह पे खुला है, लोगों को दिख रहा है, लोग खरीद के जा रहे हैं। एंड यहाँ पे गाइस कंप्यूटर भी है तो यहाँ पर हम लोग और कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर कोई भी कार को मंगा सकते हैं अपने लिए, उसको कलर अलग करके मॉडिफाई करके उसको बेच भी सकते हैं। क्योंकि ये सब कारें आप लोग देख रहे हो ना लाइन से, ये सब कारें वहीं हैं मतलब इनको हम खरीद सकते हैं और मॉडिफाई करके बेच सकते हैं। लैम्बोर्गिनी सारी कार यहाँ पर देखने को मिलेगी और ये हम लोग चला भी सकते हैं। आप लोग समझ जाओ चला नहीं सकते हैं तो चला भी सकते हैं। जो हम लोग कार सेल्फ सिमुलेटर में कर सकते हैं ना वो लोग इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है दोनों सेम टू सेम गेम है। ठीक है और यहाँ पर नीड टू स्लीप, तो यहाँ पे सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोग को सोना पड़ेगा। अगर हम लोग सोएंगे नहीं तो हम लोग के जो पैसे हैं ना वो कटते रहेंगे, तो हम लोग को फटाफट जाने सोना है। उससे पहले मैं यहाँ पर एक सिक्योरिटी एजेंसी को हायर कर लेता हूँ जो कि $100 लगा सैलरी। तो हम लोग को जल्दी फटाफट अपने घर की ओर भागना चाहिए जहाँ पर लेकिन सोच के अपने जो बंदा है अपना आ चुका है, मतलब सिक्योरिटी एजेंसी का बंदा हमारे पास आ चुका है और घर हम लोग का पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, पीछे की ओर घर है। एंड ये रहा वो घर एंड यहाँ जाके हम लोग स्लीप कर सकते हैं, बस बेड के पास जाना है, नीड टू स्लीप। यहाँ हम लोग सो चुके हैं। गार्ड डेली वेज इज रेड, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जो अपना गार्ड है ना वो अपनी ड्यूटी पर लग चुका है, वो आराम से हमारी जो हमारी मतलब की है शोरूम उसका देखभाल कर रहा है। और यहाँ पर हम लोग सो के उड़ भी चुके हैं, हम लोग अपने शोरूम पे जा सकते हैं अपने काम धंधे पे। तो फटाफट चलते हुए शोरूम की ओर, आज हम लोग और भी ज़्यादा कार बेचेंगे एंड आज हम लोग भाई अपने लिए एक पर्सनल कार मंगाएंगे, उसको चलाकर भी मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आपको सारा शक दूर हो जाए। एंड फिर उसको हम लोग कलर करेंगे, मॉडिफाई करेंगे एंड उसको दुगने दामों में बेच देंगे। इसको कहते हैं बिजनेस। तो ये रहा शोरूम अपना, इस क्लोज है तो शोरूम को भाई ओपन कर देते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। बट उससे पहले भाई हम लोग यहाँ पर एक काम है वो कर लेते हैं। तो अभी हम देखते हैं कंप्यूटर में कुछ दिखा रहा है, तो यहाँ पर अपना पे बिल, तो हम लोग को यहाँ पर बिल पे करना पड़ेगा जो $500 का है। तो हम लोग पे कर देते हैं $500, बिल ऑफ 500 इज पेड। तो जो अपना बिल है वो मैंने पेड कर दिया है। ठीक है चलो ये भी काम पूरा हो चुका है, अपने शोरूम को हम लोग कर देते हैं भाई ओपन। ठीक है तो शोरूम अपना यहाँ पे ओपन हो चुका है, हम लोग को यहाँ पे कार लगानी है। ठीक है तो यहाँ पर मैं कार लगा देता हूँ, बंदे यहाँ पर आते होंगे शोरूम में, और अगर शोरूम में आएंगे कार नहीं मिलेगी तो ये लोग गाली बक के जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि भाई हम लोग यहाँ पे कार ही लगा दें, गाली खा दे तो बहुत अच्छा काम है। तो कोई अच्छी सी कार यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। तो हम बाय करेंगे मैक्स रेसर जो कि $16,000 की कार है, जो कि देखने में बहुत अमेजिंग है। इसको हम लोग बेचेंगे भाई $19,200 में। ठीक है तो इसमें हम लोग को 3000 कुछ का हम लोग का प्रॉफिट है, $3,000 तक की प्रॉफिट है। तो ये मैंने सेल पे लगा दी कार, बहुत अच्छी लग रही है। अब बस ग्राहक देखते कितनी देर में आएगा और ग्राहक आके तो खरीदेगा, जब इसको खरीद लेगा तो इसके बाद हम लोग अपनी पर्सनल कार मंगाएंगे। ठीक है बस ये कार को एक हम लोग को बेच दे, ग्राहक यहाँ पर आता ही होगा, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं रहा दूर दूर तक की। अरे नहीं आ गया आ गया आ गया भाई आ गया, एक ग्राहक आ गया है एंड भाई फुल रंगबाजी में यहाँ पर आ रहा है, इतना कुछ ज़्यादा अमीर है ये भाई, लड़की है क्या ये। एंड यहाँ पर आ चुका है ग्राहक अपना और देखते हैं खरीदता है कि नहीं खरीदता है, तो ये भी देख रहा है रेंज। ओ गाइस यहाँ पे इन्हें कार खरीद ली है एंड हम लोग का यहाँ पर हो चुका है प्रॉफिट भाई, जो कि बहुत अमेजिंग है। मतलब अपना जो शोरूम है ना बहुत अमेजिंग चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एक और कार बेस है ना वो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और ज़्यादा कार होंगी और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आप लोग को यहाँ पर कार बेचनी है, सब लगाना है। अब हम लोग चलते हुए अपनी पर्सनल कार मंगाते हैं
और पर्सनल कार को मंगा के उसको अपग्रेड करते हैं, अपग्रेड करने के बाद उसको बेचते हैं। तो फिर चलते हैं अपने कंप्यूटर के पास में, गाइस थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो गई है पता नहीं क्यों, बट आप लोग एडजस्ट कर लेना, आपको थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा। तो कंप्यूटर में लोग यहाँ पर आ गए, यहाँ पर लोग करते हैं ये कुछ कार्स बाय जो कि मैंने पहले लोग दिखाया था। तो ये कंप्यूटर में आपको जितनी कार दिख रही है, मैं कोई भी कार अपने लिए खरीद सकते हो, क्योंकि प्लेयर कार परचेज, ठीक है, मतलब ये हम लोग के लिए है ये कार, क्योंकि हम लोग इसको खरीद सकते हैं। ये शोरूम के अंदर नहीं आएगी, शोरूम के बाहर आएगी, ये हम लोगों ने ऑर्डर करी है। एंड गाइस ये ऑर्डर हो चुकी है और ये आएगी अपने घर के बाहर, मतलब अपने शोरूम के बाहर। ये शोरूम के बाहर ये देख सकते हैं खड़ी हुई कार, इस कार को हम लोग को पहुँचाना है अपने गैराज के अंदर, एंड हम लोग इसको चला भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग फटाफट अपने कार मैंने शोरूम में पहुंचा दिया है और ये आ चुकी है अपने शोरूम के अंदर। अभी हम लोग इसको चलाकर भी दिखाएंगे, पर इसको चलाने से पहले हम लोग इसको अपग्रेड करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। अभी तक कलर ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, अभी ये थोड़ी गंदी गंदी सी लग रही है, इसको धो देते हैं, देख लेते हैं कि धोने के बाद चमकती है कि नहीं चमकती है। तो अभी हम लोग इसको फटाफट धो देते हैं। तो थोड़ा बहुत कलर इसका उतर गया है, क्योंकि नीचे नीचे देख सकते हैं रेड हो गया है, लगता है ऊपर का भी कलर उतर जाए तो अच्छी बात है, पूरी तरीके से रेड हो जाए। मेरे हिसाब से रेड ही है, बट नीचे थोड़ा सा अलग कलर है, ऊपर थोड़ा सा अलग कलर है। तो मैंने यहाँ पर इसको धो दिया है चारों तरफ से। तो फिर स्विच टूल को करते हैं, यहाँ पर देखते हैं वाटर तो यूज़ कर चुके हैं भाई, यहाँ पे रस्ट रिमूव, ठीक है। तो जो भी गंदगी वो साफ़ कर देंगे रस्ट रिमूव से, ठीक है। तो जो भी तरफ जो भी मतलब जो भी स्क्रैच जो भी है वो सब यहाँ पर हम लोग हटा देते हैं। तो इधर वैसे कोई स्क्रैच था नहीं, बट मैंने फालतू में इस चीज़ ले ली है, यहाँ पे पहले से पूरी कार एकदम सही है, मैंने जो धोना था वो मैंने धो दिया है। अभी ना भाई मेन चीज़ है इसका कलर करना, इनके टायर चेंज करना, टायर इसके ज़्यादा मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, थोड़ा अजीब से लग रहे हैं, इसके टायर चेंज कर देते हैं और साथ में इसका जो कलर है ना वो भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर पैंट लिखा हुआ है जो कि $1000 पर पैंट है, तो उसका पैंट कर देते हैं। तो कुछ कलर अलग अलग यहाँ पर शो हो रहे होंगे, तो रेड इसको करेंगे तो यार वही आ जाएगा, ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा ग्रीन कर देते हैं, देखते हैं ग्रीन कलर इस पर कैसा लगेगा। तो ग्रीन भी ठीक ठाक है, इतना ख़राब नहीं है। एंड ये कुछ ऑरेंज है और ये ब्लू कलर है, भाई ब्लू मुझे अच्छा लगता है कलर, और भी है पिंक भी है, भाई बहुत सारे कलर यहाँ पे दिए गए हैं, बट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा यहाँ पे ब्लू लगा था। और ये भी पिंक, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है पिंक, ये तो बेकार है, तो लड़कियों कलर है, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये एकदम बेकार है भाई, ये कलर अच्छा नहीं है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ये पूरा पिंक है कार पे, सबसे ज़्यादा अच्छा कलर तो मुझे भाई ग्रीन ही लगा, और कोई से ज़्यादा अच्छा नहीं, ग्रीन अच्छा था एंड जो ब्लू था वो भी मतलब मुझे अच्छा लगा। तो अभी मैं यहाँ पे ग्रीन कलर कर देता हूँ, ग्रीन में सब से ठीक है। अगली बार अगर जब कोई कार हम लोग अपग्रेड करेंगे या कलर चेंज करेंगे तो उसको येलो कलर कर देंगे या तो कोई ब्लू कलर कर देंगे, ठीक है। तो अभी ग्रीन कलर में सब से बेस्ट है, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं ग्रीन कलर पूरी चारों ओर, कहीं से रहना नहीं चाहिए, चारों ओर तरफ बस हो जाए। तो ये भी कर दिया मैंने, पीछे भी कर देते हैं। तो गाइस यार मैंने पूरा भाई कलर कर दिया, भाई टायर चेंज कर देते हैं जो रेड है एंड येलो। कार बहुत ही जो टायर है ना वो बहुत अमेजिंग अमेजिंग अपने पास है, तो मैं यहाँ पे येलो टायर लगा देता हूँ जो कि मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो यार मैं येलो टायर मैंने यहाँ पे लगा दिया, ग्लास भी चेंज कर सकते हैं। अभी जो कार है ना वो भाई अब चमकने लगी है, मतलब जो अपना काम था वो हो चुका है, अपनी कार भी चकाचक हो चुकी, ग्लास ये लोग चेंज कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इतना बहुत है अपने लिए, और ये मेरे हिसाब से बेस्ट है, कार डिलीवर टू प्लेयर पार्किंग। तो गाइस ये हम लोग की कार यहाँ पर आ चुकी है जो कि हम लोग की कार है, हम लोग इसको चला सकते हैं, मज़े ले सकते हैं। तो इसको चला कर आप लोग को दिखा सकते हैं, आप इसको चला भी सकते हो, ठीक है। जहाँ तक के लिए जाना है पूरा मैप घूमो, जहाँ जाना है वहाँ पे घूमो एंड इसको बेच दो आखिरी में आके, ठीक है, बिजनेस करो पूरा। तो यहाँ पर मुझे आगे की ओर इस कार को करना है, और देख सकते हो अपनी कार जब एकदम ठीक हो चुकी है, कलर एकदम मस्त है एंड इसकी स्पीड भी बहुत अमेजिंग है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही है। तो कार भाई अपनी और ज़्यादा अमेजिंग हो गई है। तो गाइस आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जो बताएं। अब वक्त आ गया कि हम लोग इसको एक जगह पे खड़ी कर दें और इसको बेच दे चल के, ठीक है। तो बेचने के लिए आपको क्या करना है, इसके पास में आ जाना, ठीक है। इसके पास में आने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन और शो होंगे जो कि ये है, तो कार इन, कार टू गैराज और भी कार फॉर सेल। तो मैंने कार फॉर सेल कर दिया, यूज कार टू सेल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कार या मतलब कार सेल कर दिया है, तो ये आ चुकी है अपने अंदर, मतलब अपने यहाँ पर आ चुकी है। तो इसको हम लोग आप बेच सकते हैं, बट अभी यहाँ पर नहीं आई है, बट हम लोग इसको अंदर कर सकते हैं, हम लोग कंप्यूटर के अंदर चलते हैं भाई। तो ये रहा अपना कंप्यूटर, कंप्यूटर में जाना है, कंप्यूटर में जाने के बाद यहाँ पे जो ग्रीन कलर का है ना दूसरा नंबर का, इस पर क्लिक करेंगे एंड यूज्ड ऑटो शॉप, तो ये नहीं है। तो यहाँ पर ये सब कार भाई मंगाने के लिए, तो ये सब सही सही नहीं है, हम लोग को इसके पास में जाना पड़ेगा।
इसके पास में आने के बाद यहाँ पर लिखा होगा यूज्ड कार्स। यूज्ड कार्स पे आने के बाद यहाँ पर जो कार है ना ग्रीन कलर की, इसको बाय कर लेंगे। एंड देख सकते हैं आप लोगों का बिजनेस का कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है हम लोगों का, पूरे पूरे $2,000 का भाई प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने सड़ी कार को बहुत ही अच्छा कार बना दिया है। एंड मैंने इसके प्राइस रख दिए हैं पूरे, एक जीरो कम कर दूँ, ठीक है। तो यार यहाँ पर मैंने $7,920 का मैंने ये कार को कर दिया है। देखते कौन ये खतरनाक बेहतरीन कार खरीदने आएगा। मैंने इसके पैसे थोड़े ज़्यादा कर दिए हैं, बट मेरे हिसाब से लोग खरीद लेंगे, क्योंकि मैंने इसका कलर इतना ज़्यादा अमेजिंग रखा है। एंड इसके टायर भाई इतने, इसके टायर तो और ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं, बट अभी कोई दिख नहीं रहा बंदा दूर दूर तक की, बताए सब बंदे कहाँ भाग गए हैं, कोई बंदा नहीं है। एंड यहाँ पर हम लोग दूसरी कार यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर ही दूसरी कार लगा देते हैं, दूसरे बंदे आते होंगे। जितनी ज़्यादा कारें होंगी ना उतना अच्छा होगा, उतना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक कार सेल को लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक 16,000 की कार ले ली है, इसका हम लोग करेंगे $19,200 में। चलो ठीक है, दो कारें हो गई हैं अपनी, ठीक है, ये भी होगा, ये भी हो गया। बंदों के आने की देरी, ओ भाई यहाँ पर शोरूम इज़ क्लोज्ड, तो चलो उसको ओपन कर देते हैं भाई। इतनी देर से भाई शोरूम अपना क्लोज था, तभी को कोई आ क्यों नहीं रहा था। मतलब जो अपना शोरूम है अब ओपन हो चुका है, अब लोग यहाँ पर आ सकते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर ग्राहक अपने कब तक के आएंगे। ओ मेरे हिसाब से ग्राहक आ गया, ये ग्राहक अपना आ चुका है। अब भाई ग्राहक अपना आता होगा भाई, अपने अपना को शोरूम कुछ ज़्यादा ही फेमस हो चुका है भाई। भाई दो ग्राहक हैं क्या, एक है यहाँ पर, नहीं दो दो शोरूम भाई, इन्होंने नाम पढ़ा और इधर आ गए भाई, ये लोग कार ही खरीदने जा रहे थे। अब देखते हैं मेरी जो कार है मॉडिफाई वाली, इनको अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। लेडीज़ उधर गई हैं एंड ये जेंट इधर ही हैं, मतलब ये मैन। तो देखते हैं भाई कार खेती देख रहे, सोच रहे। तो भाई हमारी कार थी ना वो तो सेल हो चुकी है दूसरी वाली। ओ गाइस, जो मैंने कार को भाई अपग्रेड करा था ना, वो भी कार मतलब सेल हो चुकी है। मतलब जो मैंने इसे मॉडिफाई करा था, उसका कलर चेंज किया था, उसके टायर चेंज करे थे, वो बंदे को पसंद आ गई। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो गेम है ना, सेम कार फोर सेल सिमुलेटर ऐसा है। तो गाइस यार अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस गेम के गेम प्ले वीडियो लाता रहूँ, तो प्लीज़ कमेंट में जो था ना कमेंट करोगे तो ही लाऊंगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से गेम बेस्ट है। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक चलो, बाय बाय।